बढ़िया, प्लीज बैठो। अरे तुम ऑफिस से निकल रही थी, बताया नहीं मुझे। अरे मैं जल्दी में थी इसलिए बताना भूल गई। बस कर दो मरियम, क्या बस कर दो? ये सब कुछ क्या ये सब? मतलब कि प्लीज बी नॉर्मल नाउ। और नॉर्मल क्या है? मरियम क्या हो गया तुम्हें यार, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं इसकी? माना मुझसे गलती हो गई, बस बस कर दो, कितनी सजा दोगे? सिप्टन, गलती एक ही दफा होती है, बार बार एक चीज को दोहराना आदत होती है। हर दफा मैंने आपके गुस्से को आपकी गलती समझकर ही इग्नोर किया है, लेकिन इस तरह से थप्पड़ मार देना हर गुनाह की माफी होती है। तो गुस्से में कत्ल भी जायज है? क्या चाहती हूं मरियम? अलग घर। सच्ची तो सुनाई दे रहा है। ऐसे कौन मियां बीवी लड़ता है कि आवाज नहीं आती? जिस तरह से लड़ रहे, लड़ने दो हमें क्या, सब तुम और तुम्हारे शौहर की तरह लाउड स्पीकर लड़ाई नहीं करते। मियां बीवी जब लड़ते हैं ना तो सबको आवाज आती है, ऐसे खामोशी नहीं होती। चलो भाई, एक मिनट, ये इतना सुकून तुम्हारे चेहरे पे ना, एक चीज से वाकिफ तुम्हारी अब तक अंदर जा चुकी होती। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ती? इसलिए कि मैं तुम्हारी हर अदा और हर दिमाग की सोच से वाकिफ हूँ। सही से बताओ, कहीं ना कहीं आंख तुमने लगाई है ना? कहीं बुआ नजर आ रहा? आ जाएगा, लेकिन मुझे बता दो कि तुम इस आग को हवा दे दूंगी। मरियम को पता चल गया क्या कि मैं उसे पसंद नहीं करती? मैं नहीं चाहती कोई रिला हाउस में रहे। बता तो नहीं दिया उसे सिप्टन को? आ रही होगी लेकिन आवाज नहीं आ रही ना, इसका क्या मतलब? चिन मारियल के दाव अभी कच्चे और कमजोर हैं, इतनी आसानी से मेरी बुनियादों को नहीं हिला सकती, समझ आई तुम्हें? मुझे इतना समझ नहीं आ रहा तुम इतनी सुकून से कैसे खड़ी हुई हो। आगे आगे देखो क्या होता है, बल्ला के बाद रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। आओ, क्यों तुमने? अचानक क्या मतलब? क्या मतलब है? आपने पूछा, मैंने बता दिया, ख्वाहिश है मेरी। मरियम, हाथ मेरा उठाता, मेरी बहनों के बाजू मत काटो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बहनें आपके बाजू में बैठा वो सांप है जो आपको डस रही है, तो होश में हो? सच कह रही हूं मैं, ये जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसके फसाद की जड़ आपकी बहनें ही तो है। वो नहीं चाहती कि मैं यहां खुश रहूं, इसलिए तो वो। मरियम, बर्दाश्त की हद होती है और वो ये है, मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, बहनों के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन अपना रिश्ता कुर्बान जरूर कर सकते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है मरियम? तुम कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि सच देख रही हूं मैं सिप्टेन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ भी नहीं सिप्टेन। बात बस यह है कि अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो मुझे अलग घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रोज कोई आपके कान भरे और रोज आप मुझे थप्पड़ मारें, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि आपके वादों को सच समझ के मैं यहां बैठी रहूं आपसे पिटने के लिए। मरियम, तुम बीवी हो मेरी, कम से कम मुझे इतना तो हक है कि गलत बात पे टोक सकूं। टोकने का हक? इस तरह चार लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मार देना, उनके सामने सवाल जवाब के ना, इसे आप टोकना कहती है?
सत्यन, आपको ना मैं आइडियलाइज करती थी और आपकी यही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी कि आप इक्वालिटी को वैल्यू देते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ आके पता चला कि आप अपनी बीवी और बहनों के बीच में इंसाफ ही नहीं कर सकते। बहनों को उनका हक जरूर मिलता है, वो इज्जत जरूर मिलती है, लेकिन बीवी, बीवी की तो कोई जगह नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने शोहर को मजाजी खुदा जरूर बनाया है, लेकिन किसी भी शोहर को ये हक नहीं दिया कि वो अपनी बीवी की तजलील कर सके। अगर बीवी अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहती है तो वो उठा सकती है। और मैंने सिर्फ घर अलग करने का मुतालबा किया है, ये नहीं कहा कि अपनी बहनों के साथ रिश्ता ही तोड़ दें। हमारी लड़ाई में मेरी बहनें कैसे हुई? तो फिर किसके उकसाने पे आपने मुझ पे यूं हाथ उठाया? मरियम, तुम गलती पर थी। मैं गलत नहीं थी, आपको गलत बताया गया है। मरियम बस इनफ, तुम्हें मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। और अगर आप ही से जाके कोई उल्टी सीधी बात की ना तो आपे समीर ऐसे नहीं थे, अब वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे मेरे से। और उस दिन के बाद से मैं बहुत अनसेफ फील करने लगी हूँ उनके साथ। देखो आया, तुम एक समझदार लड़की हो और तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए कोई भी फैसला लो, तो फिर ये कन्फ्यूजन किस बात की है? वो आए थे और उन्होंने मुझसे सॉरी किया, उसे माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया वो आइंदा नहीं करेगी। तुमने क्या सोचा? उससे एक आखिरी चांस मांग रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे प्लीज बताएं आप ही मैं क्या करूं। देखो अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें समीर पसंद है, लेकिन क्या इस सब के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो? और तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा नहीं होगा? हया, हमारी सोसाइटी में ना रोज बहुत सारी लड़कियां अपने शौहरों के हाथों बेइज्जत होती हैं, लेकिन वो इस सब के लिए कुछ कर नहीं पाती हैं, अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती क्योंकि वो डरती हैं, सोसाइटी से डरती हैं, अकेले जिंदगी गुजारने से डरती हैं। तुम बहुत लकी हो कि जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया है अपने लिए बेहतर फैसला करने के लिए। मर्द का हाथ एक दफा उठ जाए ना तो वो दोबारा रुकता नहीं है, वो कभी भी आखिरी नहीं होता है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी इग्नोर मत करना। लेकिन आप ही अम्मी पापा को जो सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे उनका क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा आया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुम अभी से डरने लग गई तो आगे आने वाली मुश्किलों को कैसे फेस करोगी? हिम्मत से काम लो, ठीक है? हेलो, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार ही कर रहा था, तुम्हारी कॉल ही नहीं आई। मैं आपको कॉल करने वाला था, आई एम रियली सॉरी, कुछ कमिटमेंट्स ऐसी आ गई थी कि कर ना सका। नहीं सत्यन, आई अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज यार। तो फिर क्या कहा अनिलन? मैं दरअसल बात नहीं कर सका हूँ, बस करने ही वाला हूँ। सत्यन, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जल्दी कर लो, मैं ऑलरेडी बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ और डिले नहीं करना चाहता हूँ।